टीम ने एक चोरों का खुलासा किया है, उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसपी सिटी सेकंड ज्ञानेंद्र सिंह है। आइए बात करते हैं सर, आज ये चोरी का जो खुलासा किया है सर, क्या है पूरा मामला? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज साहिबाबाद पुलिस ने चोरों के गैंग का खुलासा किया है, जिनसे करीब 4 चोरियों के माल बरामद हुए हैं। मुख्य रूप से इसमें आनंद इंडस्ट्रियल एरिया में सिगरेट के गोदाम से की गई चोरी के माल बरामद हुए हैं, जिसमें 5 लाख रुपए की सिगरेट और 8 लाख रुपए चोरी में प्रयुक्त धंधा सीआरवी गाड़ी और स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुई। सर, इसको लेकर आप आगे कितने लोग अभी इसमें फरार चल रहे हैं, उनको लेकर सर? अभी इस गैंग के 3 लोग फरार हैं, जिनको पकड़ने का प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। सर, किस प्रकार से ये चोरी करते थे, इस माल को सर कहाँ करते थे सर? ये गोदाम की दीवार में पीछे से सेंध मारते थे और करीब 3-4 दिन की एक्सरसाइज के बाद उसमें होल करके उसके अंदर जाते थे और वहाँ से धीरे धीरे करके जो सिगरेट के पैकेट्स हैं उसको निकाल करके ठेली पर रखकर अपनी गाड़ी में ले करके और बुलंदशहर ले जा करके इसको रखते थे। सर, अब लगातार चोरियों के खुलासे अब जैसे गाजियाबाद पुलिस कर रही है, उसको लेकर सर क्या? बिल्कुल, लगातार हम लोगों का अभियान जारी रहता है। जो पुराने चोर हैं उनकी हम लोग लगातार उनको वाच करते रहते हैं, उनका पुराने चोरों को लगातार हम लोग हिस्ट्री शीट खोलते हैं, उनका लगातार प्रिवेंटिव करते रहते हैं। तो हम लोग प्रयास रहता है कि जो भी पुराने चोर हैं उन पर हम लोग अंकुश लगाए रखें और नए चोर जो भी निकल रहे हैं उनको डिटेक्ट करें और जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको वह वर्कआउट करें। सर, ये थे हमारे साथ एसपी सिंह। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो अब चोर हैं उन पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है और गाजियाबाद पुलिस सफल अनावरण करने में समर्थ है। मैं सुनील गौतम, लोकमत न्यूज़, गाजियाबाद।